दस दिन हुए, एक दिन नहीं आया। डॉक्टर साहब ने फोन भी किया था, फिर भी नहीं आया। बहू ने मेरे को गिरा दिया था, दो ऑपरेशन हुए थे। रात दिन के काम करती थी, तारिक रोड पे काम करती थी, पहले मदीने में थी। मदीना में थी? हाँ, 18 राज्य की तस्वीर है ये। हाँ, ये मेरी तस्वीर है, देखो ये बेटे की तस्वीर है। ये मदीना है, ये मक्का है, देखो ये मक्का है, ये मदीना है। साथ लेके घूम रही है? ये मेरे साथी होता है, मैं तो जीवन साथी हूँ ना इसके, मदीने की। तो मैं सागी बेटा है, जवान बेटा है। तो शादी वाला है, दो बच्चे इसके, सगी बहन की बेटी है, उसने तो जुल्म करा है मेरे पे। आपकी भांजी ने? सगी भांजी, बहने भी चार है, कोई नहीं बोलती है मेरे से। मेरे पास इस वक्त में कोई नहीं आई थी, पड़ोसी लेके गई थी। क्या क्या जुल्म किया? देखो ये जुल्म किया कि पहले तो मैं रात दिन का काम करती थी, पहले मदीने में थी, मदीने में से आई थी, मेरे को पाँव में दर्द होता था। मदीने में अकेले रहती थी? मेरा बेटा भी था। क्या काम करती थी वहाँ? मैं वहाँ मुर्दे नहलाती थी। मुर्दे नहलाती? हाँ जी, यार गवर्नमेंट की सर्विस थी। इतना बड़ा बोर्ड लगेला था, सकीना अमीना, हम लोग दोनों 300 औरतों को लेके मैं गई थी। अच्छा, रियाज कंपनी में? हाँ, पाकिस्तान से अकबर में आया था ना, अकबर में तुवे कंपनी, तुवे कंपनी 6 साल रियाज में थी मैं। कितना ऐसा काम किया वहाँ पे आपने? मैं 24 साल किया। 24 साल काम किया? पैसे तो कमाए होंगे? तो पैसे सारे बहने खा गई, बहने के बच्चे खा गए। मेरे पास मकान भी नहीं है, इसलिए तो रोना है नहीं। आपका फोन फोन पे बात? फोन पे बात थी डॉक्टर साहब ने, ये डॉक्टर साहब है ना, इसने मेरे को फोन में जुमेरात को बात करा दी। फोन के नंबर भी है मेरे पास, ये देखो। तो ये सब भेज रहे थे, ये बोलता है कि हाँ मम्मी आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं भी खुद रो रहा हूँ। देखो ये नंबर है इसके, ये अभी कासम अली को फोन करना है। कासम अली का नंबर है नहीं? ये कासम अली को बात करो, जमात वाला है, ये मेरा बेटा है। अभी बात करो, अभी बात करा दी तुम्हारे सामने। ये दोनों पहले असगर का, ये सकीना भाई का नंबर है। आपका बेटा कौन सा है? मेरा बेटे का नंबर कौन? सकीना भाई का कौन सा है? सकीना भाई। हाँ ये मेरे बेटे का मिला, और भी बात करो। आपके बेटे का नाम? जी हाँ, असगर अली, असगर अली। उसको करो, ये फोन भी मेरा है इसके पास। मेरे को उधर सिविल में फोन भी लेके दिया था, मेजर ने 2000 रुपये दिए थे, मैंने 1500 का फोन दिया था। बोले बार बार तू रोती है, वो है तो स्पीकर है। ये बेटे से बात कर रहा हूँ तो पता चलेगा, देख रहे थे। गाना सुन रहे हो? ये अभी उठाएंगे। हेलो मालिकम सिला, तू असगर आवे ने तो के डॉक्टर नहीं जुमेरा जो फोन के कितना दी दिया है? पैसा तो तू 9000 कमाए तो कितना बने था पैसा? तो जा तू 5 तारीख के पैसा मिलना तो बात नहीं ना, रुई रुई ना मुझे तो बुरा हवाल दिया। तू हेरो निकली असगर, मुझे खबर नहीं करो अच्छा जगह रही है तो के कदी से दिया। हाँ बेटा अस्पताल में ही है, तो लगा ने रुई रुई ना मरी भी है आती हेरो पुत्ता तो बेटा ने की दिखा तो। देखो बेटे को भी निकाल दिया है, चाचा के देवर के घर पे है बेटा। तो बोलता है मेरे पे पैसे हो गए तो मम्मी आओ नहीं, पैसे तो ही नहीं। मेरा बेटे को भी देखो निकाल दिया है, मची पूछे। क्या नाम है आपका? सादिया नाम है। सादिया, आप कब से यहाँ? 12 साल से नहीं यहाँ पर। 12 साल तो काफी लंबा अरसा होता है। 12 साल से यहाँ पर हूँ। क्या वजह थी? वजह ये थी कि मेरे घर में बहुत झगड़े होते थे, बस फसाद। मेरी अम्मी बहुत झगड़े करती थी हर बात में। मेरी 4 बहनों की शादियां करती थी, लेकिन हम 2 बहनों के जो रिश्ते वगैरह आते थे उनको ठुकरा देती थी, हमारी शादी करना नहीं चाहती थी। पता नहीं वजह तो क्योंकि उन्हें ही पता होगी, हमें तो नहीं बताती थी कभी भी। हम जब भी कहते थे अपनी मर्जी से बताएं तब भी मना कर देती, और अपनी हम कहें अपनी मर्जी से रिश्ता करें कम्युनिटी में तभी भी वो मना कर देती थी। और भाई जो है एक, वो एक ही भाई है मेरा, अच्छा है। हम 6 बहनें, वो साउथ अफ्रीका में होता था, उसके जाने के बाद और ज़्यादा टेंशन देने लगी। बहुत लड़ती झगड़ती थी, इतना ज़्यादा टेंशन दिया कि आखिर हम दोनों बहनों ने मजबूर होकर घर छोड़ दिया। हालांकि रखना चाहें तो भी भाई हमें रख सकता है अपने पास, क्योंकि मेरे वालिद की छोड़े में 2-2 फ्लैट भी हैं, खुशहाल फैमिली है हमारी, इतनी गुर्बत भी नहीं है कि नहीं रख सकता, लेकिन बस रखना नहीं चाहते। और बहनें भी कोई शादीशुदा हैं चारों, लेकिन कोई भी एक भी आकर मिलती नहीं है, कभी भी नहीं। 12 साल से किसी ने अपनी एक झलक भी हमें नहीं दिखाई। जो भी हो चुका आप भूल जाए, मेरी गलती थी, मैंने जो कुछ कर लिया गलत कदम उठा लिया तो चले वो समझे, लेकिन हमने कोई गलती नहीं की। हम यहीं आके रहे हैं और 12 साल से यहीं पर खिदमत कर रहे हैं। अब अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह रसूल भी उन गलतियों, इंसान की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। हम तो फिर इंसान हैं,
इतना कुछ, इतने 12 साल से हम लोग तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे हमें जैसे भी अच्छा रखा हुआ है, सब कुछ है, सहूलतें मिली, लेकिन घर वाली बात तो नहीं बनती ना, घर तो जाना चाहते हैं, घर घर वाले सब बहुत याद आते हैं। बहन भाई से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर वो देख रहे हैं तो आएँ। मैंने सुना था मेरी वालदा हयात नहीं है, लेकिन उनकी इंतकाल की इतला भी हमें नहीं दी गई है। अगर वह हयात हैं तो देख रही हैं मुझे, तो मुझे माफ़ कर दें, मैं उससे फिर माफ़ी मांगती हूँ एक बार। तो फिर पहले भी मैंने माफ़ी मांगी थी कि मुझे रख लें, मैं अब आइंदा कभी भी घर नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम जाओ यहाँ से। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हर गुर्बत के मारे या की माशी बदारी की बात आए, बहुत से अच्छे घराने के लोग और पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे हैं, हर एक की अपनी स्टोरी है, और जितने लोगों से आप मिलेंगे एक नई किताब है और वो हर एक की अलग कहानी है। यकीन करें यहाँ आके लगता है कि कुछ चीज़ों से हम हकीकत से आंखें चुरा रहे हैं, ये हमारे सामने की चीज़ें हैं, हमारे इन लोगों को हम जानते होंगे, इनके रिश्तेदारों को हम जानते होंगे, कितने ऐसे लोग हम जानते हैं जो अपने घर वालों का ऐसा सलूक करते हैं, और वो किस किस हालात में यहाँ रह रहे हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं, कितने बेचैन हैं वापस जाने के लिए। आज हमारे साथ एक यहाँ पे उस्ताद ही है, उस्ताद नहीं बल्कि मैं कहूँगा आपको उस्ताद, लेकिन क्या नाम है आपका? आकिदा परवीन। सुना है आप बायोलॉजी पढ़ाती थी, और कब तक पढ़ाई आपने बायोलॉजी? मुझे मैं 25 ईयर्स पढ़ाई है। अच्छा, और आपको तो अपना एजुकेशन क्या है आपके? इंग्लिश इंग्लिश टीचर भी रह चुकी हूँ। इंग्लिश भी रह चुकी हूँ। क्या आपके बैकग्राउंड क्या पढ़ाई का? बीएससी। कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ाती थी आप? गवर्नमेंट जैकब लाइन। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में। तो गवर्नमेंट स्कूल की नौकरी अभी तक होगी या खत्म हो गई? पता नहीं, पिछले ढाई साल पहले है ना मेरे भाई यहाँ एडमिट कर गए थे, उन्होंने ये कहा कि ना हम तुम्हें ना अलग, हम नहीं रख सकते, हम आप तुम्हें अलग रखेंगे, किराए पर मकान लेंगे, वहाँ रहिएगा आप। मुझे लेके चल निकले, मैं तैयार हो गई, मैंने कहा नहीं मैं आपके क्या बोझूँ, भाई बच्चों के साथ भी मोहब्बत क्या, शक्कर के साथ के साथ हूँ, भाभी के साथ भी, फिर क्या मैं आप पे बोझ भी नहीं हूँ, खुद का फारत करती हूँ मैं अपनी, कफील थी अपनी। जी हाँ, पता नहीं कह लेंगे नहीं बस आप चलें, आप हमारे साथ तैयार हो जाइए। मैं तैयार हो गई उनके कहने पर, लेकिन वो वहाँ लेके किराए पे मकान दिखाने के लिए ले गए, एड्रेस लिया है मुझे, यहाँ एडमिट करके अच्छा, चले किराए का मकान उन्होंने हाँ, और यहाँ ये लिख के, यहाँ लिख के ये गए कि ना कि सारी उम्र के लिए दाखिल करके जा रहे हैं, इनका इंतकाल भी हो जाए ना तो हमें इतला नहीं कीजिएगा। क्या भाई का नाम क्या है आपके? इमरान हमदानी, UBL में बैंक ऑफिसर हैं। बैंक UBL बैंक में काम करते हैं? बैंक ऑफिसर हैं। बैंक ऑफिसर UBL बैंक में। अब कौन सा हमदानी? इमरान हमदानी साहब। क्या इमरान हमदानी साहब को क्या बोलेंगे कि अगर वो देख रहे हैं, फर्श कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या मैसेज होगा कि वो आपको ले जाएं या आपको यहाँ से रिलीज करा दें ताकि आप खुद अपना खुद कफालत कर सकें, अलग रह सकें? यहाँ मैं टीचिंग लाइन जॉब ज्वाइन कर लूँ, मैं मेरे मेंटली मेरा अटैचमेंट जो है वो टीचिंग के साथ है, यहाँ मैं कैद महसूस करती हूँ। तो आप ये कह रहे हैं भाई को कि आपको आके यहाँ से ले जाएं या ले जाएं, रिलीज करा दें? ले जाएं, मुझे जो कुछ पता हो गई है, रंजिशें कदूरतें सब खत्म कर दें, जो भी कुछ है। मैं तो साफ दिल रख के मिलने वाली लड़की हूँ, मैं तो बिल्कुल। अंदाजा है क्या खता हुई होगी? कोई मुझसे तो कोई खता नहीं हुई है, पता नहीं क्या, पता नहीं यही कह के गए हैं, पता नहीं कि जहनी मरीज है। मैंने कहा था, मैंने दरख्वास्त की थी कि मुझे यहाँ पे AD विलेज, मैंने स्कूल सुना था कि स्कूल है तो मुझे वहाँ पे ज्वाइन करवा लें, वहाँ पे ज्वाइन करवा लें ताकि मैं ना लाइन में अटैच रहूँ, मैं अपने जो मेरा मेंटली अटैचमेंट है वो ना कंटिन्यू रहे, मेरा ब्रेक ना हो, वरना मैं तो मेरी जो सलाहियतों में मस्त हो जाएंगी, मेरी तो जहनी सलाहियतें मस्त हो जाएंगी, उम्मीद है मैं भी जहनी मरीजा बन जाऊंगी, जहनी मरीजों के साथ रह के। ज्यादातर जहनी मरीज हैं, माजूर भी हैं यहाँ पर, और मेरे फादर कोई काम भी नहीं है, कोई काम नहीं, पढ़ाती नहीं किसी को, नहीं काम नहीं, यहाँ नहीं आपकी पढ़ाती नहीं है। हम चेक करते हैं और फिर मालूम करते हैं कि आपके साथ क्या यहाँ पे हो सकता है, और निजात दिलाई इंशाल्लाह, और जो देख रहे हैं आपको जरूर आपको शायद आप तक आगे आपको रसाई मिल जाए वहाँ से। अच्छा, सही, थैंक यू।